अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका अपना सुहेल आपको लाइफ स्टाइल सुहेल वेलकम करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, अल्लाह ताला हमें भी खुश रखे हमारे चाहने वालों के लिए। जी तो इसके साथ ही आज का व्लॉग शुरू करते हैं। आज शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर तक आपने हमारा चैनल लाइफ स्टाइल सुहेल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल बटन को दबाएं ताकि नई वीडियो आने की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ये हमारा मिस्त्री है, ये शर्जील है, ये जवेद है। अच्छा, हमारे मिस्त्री को रोज को तंग करता रात को। आज सोटी मारी किसी ने और फिर हमने जनाब जी दम करवा लिया। मेरा ख्याल कोई भूतने शूतने तंग कर रहे थे मिस्त्री को, फिर हमने आफत जी को बुलाया, दम कराया। अब इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा, जो उन्होंने गायब पढ़ के सो जाना है। अच्छा गल इंजे भी ना, जो मिस्त्री इरफान है ना, उसने अंदर वाला प्लस्तर बड़ा वधिया किया है। जल्द बहर उस दो दिन लाए ने तो मैं फिर कल शामी जाके चेक किया तो बड़े गंदा प्लस्तर इंज तेंज तेंज इंज इंज होया। फिर मैं थोड़ी इन्नी की क्लास लई तो उन्होंने तकलीफ हो गई, मेरी क्लास क्यों ली। फिर इन्होंने दोवे की शर्त लग गई, आंदा इरफान नहीं आना। इन तो पता से असल इरफान नहीं आना, शरीर बेवकूफ बन गया, शरत च आ गया, शरत लगी। इन पता सी तो इन तू रात दस कि सुबह दस्या, सुबह दस्या पर रात दस गया होना है। अल नहीं आना सुनाब ते ना, फिर शरत लग गई जनाब जी शुआरमिया की, आ गया तो इस खवाने नहीं आया, तो इस खवाने लिहाजा नहीं आया। अब शजील शहर हार गया और नहीं एक तो देखो ना गलत काम करो आप, फिर मैं डांटू भी ना, ये कैसे हो सकता है। आप गलत काम करें और मेरा हक बनता डांटना कि नहीं बनता है, बनता है, फिर तकलीफ नहीं ना होनी चाहिए। चलो हो ही है तो फिर हो ही रहे, हमें क्या फर्क पड़ता है। बस अपना आप सारे बखाते जो भी होंगे डांटे आई तो चलो फिर मैं जान के आखे आई भी तू इरफान काम शुरू किया मुका भी दे। फिर उन्होंने एक ही मैं आखने और मैं की आखनी, फिर भी वह नहीं आया। चलो उनकी मर्जी, लिहाजा वो कौन आया जी। हाँ जी, अभी शुआरमे और मेरा बर्गर आ गए, वो अभी हम खाते हैं शर्तिया बर्गर है। ये तो पिछले दिन छुट्टी पे ही बिला वजह तो जैद को पता ही ना उसको नहीं होना। किवें खाने किवें चाहिए ना प्लेटा किवें खाने जे हाँ मैं कितना माकन एक प्लेट तो चाहिए दो त्रै बंद तू बच्चा वाकर प्लेटा हाथ च फी तो फिर भी प्लेट तो चाहिए होंगी, दो त्रै प्लेटा चाहिए। तो और किसी दुनिया को नहीं इस प्लेट को तो फाड़े ना शरजील हमें रख दो, आ शरजील प्लेट दे दो। चलो ठीक है खाना रहो, एक काम खराब कराने की खुशी शुआरमे तो बर्गर खाया जा रहा है, क्यों भाई काम खराब कराने की खुशी शुआरमे तो बर्गर खाया जा रहा है। मिस्त्री नस जाने अखीर ते पोरिया सिर चढ़ के गया बिशुका रह गया, इसे बहाने गया तो है ना। हाँ नवे मिस्त्री मैं अच्छी आखिरा भी कल तेरा खीरला तेने मत भी कोई आस उम्मीद तो होवे भी मैं दो त्रै दिहाड़ियां दसा दो
ਆਨ ਕੋਕ ਕੌਣ ਕੱਢ ਸੀ ਦਾ ਤੇ ਕੋਕ ਖਾ ਕੇ ਆਏ ਜੇ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਲਾ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਟਿੱਕੇ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਆਰਾਮ ਸ਼ਵਰਮਾ ਖਾਦਾ ਕਿ ਹਲਾਲ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਹਲਾਲ ਖਾਇਆ ਹਮਨੇ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਮੁਰਗੀ ਮਰੀ ਠੰਡੀ ਮੁਰਗੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਡੱਡੂਆਂ ਦਾ ਖਵਾਉਂਦੇ ਪੈਣ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਗੋਸ਼ਤ ਦਾ ਸ਼ਵਰਮੇ ਬਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤੂੰ ਦੱਸ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਠੰਡੀ ਮੁਰਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਬਾ ਹੋਈ ਹਾਂ ਤੂੰ ਤਾਂ ਇੰਜ ਹੀ ਆਖ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਸ਼ਜੀਲ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਹਾਂ ਤੂੰ ਵੀ ਇੰਜ ਹੀ ਆਖ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਓਕੇ ਭਾਈ ਠੀਕ ਤਾਂ ਤੂੰ ਦੱਸ ਤੂੰ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵਧੀਆ ਤੂੰ ਥੱਲੇ ਕਰ ਬੰਦ ਕਰ ਪੁੱਛਦਾ ਹਾਂ ਅਸਲਮ ਤੇਰੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਵਾਰਮਾ ਹਰਾਮ ਆਈ ਕਿ ਹਲਾਲ ਆਈ ਹਲਾਲ ਆਈ ਤੂੰ ਦੱਸ ਉਹ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਵਾਲੀ ਆਂਟੀ ਸ਼ਵਾਰਮਾ ਹਲਾਲ ਆਈ ਕਿ ਹਰਾਮ ਹਲਾਲ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਤਾਂ ਹਰਾਮ ਹੈ ਤੂੰ ਸ਼ਰਤੀਆਂ ਖਾਦਾ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਹੱਥ ਹੀ ਹਰਾਮ ਹੈ ਬਰਗਰ ਵਾਲਾ ਹਰਾਮ ਸੀ ਤਦ ਤੂੰ ਖਾਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਨੇ ਖਾਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਖਾਦਾ ਹੈ सही बात है मुझे बर्गर बिल्कुल पसंद नहीं आया पता नहीं क्यों आज सही फ्राई नहीं हुआ हुआ था मेरा ख्याल है कच्चा कच्चा था तो इसलिए अगली दफा उसको ज़्यादा पकाए तो ये देखिए हमारी जनाब जी लिविंग हॉल रॉ बर्गर हेलो हम दिन में 15 फुट टहल करते हैं जब अपन 10 फुट लगा ही लेते हैं अगर जैसे पता ना ढिला हो जाए बिजली होगा पैसे बाद बन जाए दोबारा ढिला हो जाए हाँ जी तो आज का छोटा सा ब्लॉग अगर आपको पसंद आए तो आप लाइक करना शेयर करना कमेंट्स करना अगर आपका दिल करे शवारमे या बर्गर खाने के लिए तो आपने सीधा बदर भाई की दुकान पर जाना वहाँ से खरीद कर खाने हैं ठीक है ना हाँ जी तो इसलिए आप सब खाएं बर्गर शवारमे इंजॉय करें तो पैसे खर्चे और खाएं ठीक है ना ओके अल्लाह हाफिज़ हाँ जी मैंने वीडियो कैड कर दिया लेकिन थोड़ी सी बात रह गई माशाल्लाह शवारमे बड़े मज़े के थे और बर्गर वाकई थोड़ा सा कच्चा था लेकिन वो मैं पता कि पूछ रहा था इन सब से कमेंट्स ले रहा था क्योंकि लाहौर में ना हराम शवारमे चल रहे हैं टोटली हराम वो ठंडी मुर्गी मतलब कि मुर्दा मुर्गी बेची जाती है लाहौर में और वो पर हम शुक्र पिंडी भटिया में रहते हैं हम हराम नहीं खाते हम हलाल खाते हैं तो वो मजाक में सब पूछ रहा था सब ने कहा हलाल है तो क्योंकि हम पिंडी भटिया में रहते हैं हमें पता है यहाँ पे हलाल चीज़ मिलती है बाकी लाहौर इस्लामाबाद कराची वहाँ पे टोटली हराम मिलती है इसलिए आप अवॉइड किया करें मत खाया करें तो ओके जी अल्लाह हाफिज़।